विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, मॉरल राइट खत्म हो गया सरकार का, प्रशासन का, और उन सरकार को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। हरियाणा में बीजेपी सरकार अब मुश्किलों में खड़ी हो चुकी है। दरअसल अब से कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि किस तरीके से बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ा था और निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ उसने इस सरकार को एक बार फिर से हासिल करने में कामयाबी पाई थी। हालांकि इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को उनके पद से बीजेपी ने हटा दिया था, उनसे इस्तीफा लिया गया, उनको लोकसभा चुनाव में खड़ा किया गया, कुरुक्षेत्र से वो चुनावी मैदान में थे, और इसके बाद बनाया गया मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष रहे नायब सिंह सैनी को। लेकिन अब नायब सिंह सैनी की कुर्सी पर भी जैसे लग रहा है कि भूकंप आ चुका है और यह भूकंप उनकी सत्ता को गिराने पर लगा हुआ है। जी हां, तीनों निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद से बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ चुकी है। हालांकि कांग्रेस को उन्होंने समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस की भी सीटें अगर जोड़ी जाए तो वो पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत में नहीं जा पाएगी, कारण कि कांग्रेस की ओर से अब लगातार राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब अल्पमत में सरकार हो जाती है और कोई दूसरा दल सरकार बनाने में नाकामयाब रहता है। लेकिन अब जो नायब सिंह सैनी की तरफ से बयान आया, उन्होंने कहा कि हर विधायकों की कुछ अपनी इच्छाएं होती हैं और उनकी इच्छाएं कांग्रेस में जाने से हो सकता है उनकी पूरी हो, लेकिन वो भावुक दिखाई दे रहे हैं इस समय। और दूसरी ओर जो भूपेंद्र हुड्डा हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी को तत्काल जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री को और राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जरूरत है। दोनों की बाइट आपको सुनवाते हैं कि दोनों की तरफ से क्या क्या दावे किए जा रहे हैं, सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की हरियाणा के अंदर कुछ दौरे फिक्स? बिल्कुल रहेंगे, समय समय के ऊपर बताएंगे आप लोगों को। सर, कुछ विधायक जो आपके साथ फ्लोर पे खड़े थे, आज चर्चाएं हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे दल में हाथ मिला रहे हैं लोकसभा के लिए? देखिए, क्योंकि ये जानकारियां आई है मेरे पास भी, कहीं विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि इसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में और आगे तो जनता ने उनकी इच्छाएं पूरी कर दी है। सर, शामिल ही हुए हैं उन्होंने जो बीजेपी सरकार को समर्थन दे रखा था, इंडिपेंडेंट विधायक है, उन्होंने समर्थन अपना वापस लिया है और बाहर से कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है, और ये फैसला उन्होंने जन भावना के अनुसार किया है। जन भावना बन चुकी है सरकार के मौजूदा सरकार के खिलाफ है, उन्होंने कहा जन भावना बनी हुई स्वास्थ्य कांग्रेस का समर्थन करना चाहते हैं। क्या सरकार को कोई खतरा है? सर, देखिए, मॉरल राइट खत्म हो गया सरकार का, प्रशासन का, और उन सरकार को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति लागू शासन लागू कर देना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए। पहले से संपर्क में फैसला किया है, जन भावना को देखते हुए उन्होंने समर्थन देने का फैसला किया, बाहर से हमने उनका स्वागत किया। कांग्रेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस का समर्थन करेंगे ना वो चुनाव में, अब चुनाव पार्लियामेंट के चुनाव में बाहर से कांग्रेस समर्थन करेंगे, फायदा होगा कांग्रेस को।